एक ही स्लाइड हुई है बेटा, कितनी स्लाइड नहीं हुई, एक ही हुई है, पहली स्लाइड है। बताओ कल तुम लोग पजल हो गए, इंग्लिश के नए टीचर आ गए तो आपको लगा कि कहीं बदल ना दिए हो। चलिए भाई साहब देखता हूं किस बच्चे में दिमाग है, कौन बच्चा इसका सही अच्छे से बताएगा। ओके ठीक है भाई, कोई नहीं भावना बेटा, यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले पिछली क्लासेस को देखिएगा, ठीक है। ओके बिल्कुल भाई साहब, ओके देखिए बेटा ये जो टेंस हैं, ये टेंस आपका आपको समझ आ जाएगा, ये जो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बोला जाएगा कि ये जो टेंस होता है इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। बात तो सही है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन यदि मान ले कोई कहे कि इसका पैसिव फॉर्म बनाओ तो आपको बोलना कि हाथ जोड़ लेना कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, तो सामने से फिर आपके दबाव आता है कि बेटा इसका पैसिव फॉर्म बनाओ, तो आपने फिर हाथ जोड़ लेना कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। सामने से अगेन कोई धमका के बोलता कि इसका पैसिव फॉर्म, तो आपको भाई साहब अगेन हाथ जोड़ देना कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। अगेन आपको बोला जाए, आपको धमकाया जाए, पीटा जाए, आपको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जाए, तो आपने फिर भी क्या हाथ जोड़ देना, भाई पीट लो लेकिन इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। अब आपको कसम वायदे पर क्या क्या दिया जाएगा, तब भी आपको हाथ जोड़ देना है कि भाई इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, ऐसे ठीक है। उसके बाद यदि कोई चेतावनी देने लग जाए कि ऐसा है वैसा है ये वो कुछ, मतलब ज्यादा बोलने लग जाए, तब भी आपको क्या जवाब देना है कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, ऐसे जवाब देना। उसके बाद यदि आपको वो बोले कि जा तेरे बस का कुछ नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, और वो कहे कि बेटा देख हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं, और जैसे वो ऐसे पीछे मुड़ के लिखने लगे पैसिव फॉर्म, तो उसको बोलना कि बेटा हम भी इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, हम भी इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, और तब एकदम पीछे पलट कैसे देखेगा, बताओ कैसे बनाओगे, तब बोलना कि बेटा रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं, हम किसी भी चीज को बख्शने वाले नहीं है, हम स्टूडेंट भी तो अनिल के हैं, तो इसका पैसिव फॉर्म हो सकता है। कैसे होगा मतलब समझे आप लोग भाई, यदि नीड हो जाए, यदि नीड हो जाए, कति कहते ना कि नीड हो गई, अब तो भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका पैसिव फॉर्म बन सकता है। यदि मान लिया आपने कल एग्जाम में ये आ गया और ऑप्शन ऐसे गिवन है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ नो पैसिव वॉइस, लेकिन सभी ऑप्शंस गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे इसका पैसिव फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, देखिएगा सबसे पहले आप लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां पे लगा लो, ऑब्जेक्ट आपका क्या है अमैच है, तो अमैच को यहां पे लगाओ। उसके बाद क्या बच्चे यहां पे क्या हैज बीन गिवन है, तो हैज का तो हैज ही आएगा, बीन का बीन आएगा। अब आपको यहां पे बीन के बाद आपको यहां पे बींग लगाना है, बीन के बाद क्या आएगा बींग आएगा, अमैच हैज बीन बींग, उसके बाद प्लेइंग का थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, उसके बाद आएगा बेटा बाई, ऑब्जेक्ट आपका क्या है सीमा, बाई सीमा, उसके बाद जो टाइमिंग गिवन है उसको यू कैन जोड़ दो, सिंस 9 o'clock, ये इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। तो बीन एंड बीइंग दोनों एक ही सेंटेंस में आएंगे, यदि कोई आपसे पूछता है बीन और बीइंग क्या एक में आ सकते हैं, तो ये एग्जांपल आप उसको दे सकते हो ताकि उनको जवाब मिल जाए, ठीक है जी। हाँ हो गया, बहुत ही बढ़िया, ला जवाब बिल्कुल भाई साहब, तो इसका पैसिव फॉर्म ऐसे बना सकते हो। अंजलि बेटा तो आपका तो गलत है, आपने तो क्या किया इसका हैज बीन प्लेड वैसे क्या वैसा लिख दिया, है आईएनजी को उसने बदल दिया, बस ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आ गया समझ में, ये नई चीज है बेटा, ये शायद ही आप लोगों ने कहीं पे देखी होगी, बिल्कुल नई चीज है, शायद ही आप लोगों ने कई चीजें ये कहीं पढ़ी होंगी, तो बिल्कुल नई चीज है, कोशिश कीजिएगा जम के पढ़ने की, ठीक है। हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कल की क्लास कैसे दिखेगी। हाँ ओ भाई आपको ना बुक बाक में होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये आपके सीजीएल मेंस में दिया गया था, तो ऑप्शन ये दिया गया था, तो उसी के बाद में सब कुछ ये लिखवाने लगा हूं, ठीक है। इतनी बुक्स में कमी पड़ता हूं, बुक्स का मुझे नहीं पता, आपके कमेंट बिल्कुल दिखे हुए भाई, क्यों नहीं दिखे हुए, टेबल में आपने नहीं बताया, सब कुछ टेबल में बता देता तो यहां पर मजा आता है पढ़ने में, नहीं आता ना, कुछ चीजें ऐसी होती जो टेबल में नहीं बताई जाती समझाई जाती है, यदि मैं टेबल में पहले दिन बता देता तो आज आपको मजा नहीं आता पढ़ने में, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है। ओके ओके चले भाई आगे बढ़ो, चलिए ये भी आपको हुआ, टेबल आपकी फिनिश हुई, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे पैसिव ऑफ 2+V1, पैसिव ऑफ 2+V1 मींस इनफिनिटिव फॉर्म, इनफिनिटिव फॉर्म, जी देखा तो ये जानो सुनो।
चलिए भाई साहब, यहां पे जाओगे पैसिव, यानी कि पैसिव ऑफ टू प्लस वी वन मीन्स इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव को बोला जाता है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव को बोला जाता है कंप्लीट इन्फिनिटिव, कंप्लीट इन्फिनिटिव को बोला जाता है टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन को बोला जाता है विद टू। ये इसके सभी नेम है, किसी भी नेम से बोला जाए कि क्या आप फुल इन्फिनिटिव जानते हो तो आप बोलना पक्का जानते हैं। कोई आपसे बोले कंप्लीट इन्फिनिटिव जानते हो, आपको बोलना पक्का जानते हैं। कोई आपको बोले विद टू का मतलब क्या होता है तो आप लोग बता देना इन्फिनिटिव फॉर्म को विद टू का।